हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार फ्रेंड। आई होप फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये आज हम आप लोगों को बताएंगे अपने गांव के बारे में, हमारे गांव में लोग कैसे रहते हैं, रॉकेट ईयर उन लोगों का विचार कैसे है आदमियों के प्रति, और अपने गांव की सीन दिखाएंगे दोस्तों, जो कि हमारे गांव की सीन कुछ अलग ही नज़ारा है हमारे गांव का। जैसा फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं डियर, ये हमारे गांव की सड़क है दोस्तों। ओके, तो इस गांव में जो मिट्टी का ईंट होता है उसी की यह रोड बनाई गई है दोस्तों। और डियर इधर बगल में देख सकते हैं, ये जब नहर हमारे तरफ चलती है तो उसमें का पानी इतना ज़्यादा बहाव रहता है तो हमारे तरफ खेत में भर जाता है। देखिए अभी तक पानी इसमें भरा हुआ है। और डियर इधर खेत दिख रहा है, खेत की जुताई हुई है, इसमें गेहूं का अनाज बोएंगे। ओके डियर, इधर धान कट गया है और इधर देख सकते हैं फ्रेंड अभी इसमें लगा हुआ है। ओके डियर, तो फ्रेंड आइए आपको और आगे चलते हैं कुछ किसी और सड़क पर दोस्तों। देख सकते हैं ये काली सड़क है। ओके डियर, अभी अभी बनी है। इस खेत में देख सकते हैं सरसों की बुआई की गई है। ओके फ्रेंड, तो हमारा गांव फ्रेंड प्रयागराज के, जो प्रयागराज शहर है करीबन वहां से 20 किलोमीटर के बाद है मेरा घर। ओके डियर, हमारा गांव इलाहाबाद, देखिए दोस्तों प्रयागराज को अब पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार आदित्य योगी नाथ जी ने उसी को चेंज कर दिए हैं और अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो दोस्तों प्रयागराज एक फेमस शहर है। ओके, एक फेमस सिटी है दोस्तों, तो इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, कहा जाता है कि इलाहाबाद में कुछ मुसलमानों का नाम आता था, इसलिए योगी उसे चेंज करके प्रयागराज नाम रख दिए। ओके डियर, तो इसीलिए उसका नाम हटा दिया गया और प्रयागराज रख दिया गया। तो दोस्तों प्रयागराज जो शहर है उस शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर पर मेरा एक छोटा सा गांव है। जैसा कि लोग देख सकते हैं उधर सामने जो पेड़ छोटे छोटे कुछ दिख रहे हैं उसी तरफ हैं। और दोस्तों हमारे गांव का खेत है, ये चारों तरफ हमारे तरफ किसानी होती है और हमारे इस प्रयागराज में गेहूं और धान की ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ओके दोस्तों, हम लोग एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं, एक किसान के लड़के हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, देख सकते हैं ये धान इसमें तैयार है और कटाई चल रही है। ओके डियर, ये पूरा नवंबर धान कटाई चालू होगी, लगभग नवंबर और दिसंबर का फर्स्ट वीक। ओके डियर, फर्स्ट वीक तक चलेगी, उसके बाद सभी धान कट जाएंगे तो डियर उसमें गेहूं की बुआई होगी। ओके माय फ्रेंड, तो दोस्तों यदि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं। तो डियर हमारी तरफ ज़्यादा अच्छे सीन तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, जो हमारे तरफ है दोस्तों हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते कि बड़े बड़े शहरों में जाएं, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाएं, उसका ब्लॉग वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हमारे तरफ जो है दोस्तों मैं उसी का ब्लॉग वीडियो बना रहा हूं माय डियर फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग यही सीन देखकर सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों आप लोग जहाँ से भी हैं अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे यह खुशी मिले दोस्तों कि मेरा वीडियो वहाँ तक जा रहा है।
ओके माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों इधर सीन देख सकते हैं, ये बड़े बड़े हैं, इसका नाम वलीना है। ओके तो हमारे गांव के लोग इसे काट काट कर इसको छप्पर बनाने में यूज करते हैं। ओके डियर, तो दोस्तों मेरा गांव अभी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। ओके फ्रेंड, ये हमारे तरफ ये जो खंभा दिख रहा है इसी से लाइट गई है, लाइट सप्लाई हुई है गांव में। ओके डियर, और इधर देख सकते हैं पानी है दोस्तों, पूरा लबालब इसमें पानी भरा हुआ है। बगल देख सकते हैं धान की फसल है और लोग इसी में मछलियां मारते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड ये बमूल है, इससे हमारे गांव के लोग काट कर खाना बनाने में इसकी लकड़ियों को प्रयोग करते हैं, जिससे उन खाना आराम से और अच्छे से बन सकता है। ओके डियर, तो फ्रेंड अभी हमारे तरफ दिन नहीं डूबा है, देख सकते हैं सेकंड टाइम है। ओके ओके, तो डियर देख सकते हैं इधर फसल है, आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये इसी तार के सप्लायर के कारण हमारे घर में और हमारे गांव के घरों में लाइट पहुंचती है। ओके डियर, तो फ्रेंड ये मेरा गांव और हमारे गांव की सीन आप सभी को कैसे लगा दोस्तों? यदि डियर हमारे गांव की सीन आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करो। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारे गांव के कुछ लोग हैं, ये लकड़ी अभी बताया था उसके बारे में, ये लकड़ी काटे हैं, काट कर जब ये सूख जाएगा और लेके चले गए हैं, जब ये सूख जाएगा तो इसको घर ले जाएंगे दोस्तों, और सुखा कर इसको चूल्हा होता है हमारे तरफ, चूल्हा में खाना बनाएंगे।